इसे एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो चिकन मटन पनीर की सब्जी खाना भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी स्वाद में बेहतरीन बनकर तैयार होती है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद जरीना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए गिलकी की सब्जी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने कई बार बनाई होगी लेकिन आज मेरे स्टाइल में बनाकर देखिए, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी लाजवाब बनती है। तभी चलिए बिना वक्त गवाए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम गिलकी ली है, इसे तुरई भी बोलते हैं कई जगह पर। आपके यहाँ इस सब्जी को किस नाम से बोला जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैंने इसे अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम आगे का हिस्सा और पीछे का पार्ट्स इस तरीके से हम कट कर लेते हैं और इसके हम छिलके निकाल कर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप बिना कंजूसाई किए मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रेसिपी देखने को मिलेगी। देखिए, हमने गिलकी को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं प्याज, तो प्याज को भी हमें इस तरीके से कट लगा कर चॉपिंग करना है, इस तरीके से टुकड़ों में हमें इसे कट कर लेना है। इसके अलावा हमें 4 से 5 हरी मिर्च लगेगी, हरी मिर्च के भी पीस कर लिए हैं, ये हरी मिर्च स्पाइसी नहीं है। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम 5 से 6 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो जाने पर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, जीरे को हम क्रेकल होने देते हैं। जब जीरा क्रेकल हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को 1 से 2 मिनट तेल में हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ना प्याज, उसके बाद हम उसमें गिलकी ऐड करेंगे, और गिलकी को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी चैनल पे वेज नॉन वेज स्वीट रेसिपीज़ आइसक्रीम की रेसिपीज़ ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपको मेरी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप मेरी चैनल पे ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। सूजी का उपमा, इसके अलावा आपको मसाले वाले स्पाइसी आलूज की रेसिपी भी आपको मेरी चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप मेरी चैनल पे ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं हरी मिर्च के टुकड़े, और इसे भी हम अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। गिलकी में ढेर सारा मॉइस्चर होता है, तो वो उसके ही मॉइस्चर से, उसके ही पानी से ये पकनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमने अभी लहसुन की पेस्ट ऐड की है और अदरक की पेस्ट ऐड की है। इसे हम तेल में अच्छी तरीके से हिलाकर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कम मसाले में एकदम आसान तरीके से बनकर तैयार होती है, न ज़्यादा ताप जाप है, न ज़्यादा मसालों की कोई ज़रूरत होती है। बिल्कुल घर में रखे हुए मसालों से ही आसानी से लाजवाब बनकर तैयार होती है। यहाँ हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, है ना। बिल्कुल घर के आसान से मसालों से हमने ये रेसिपी बनाई है और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसे लंच में, दोपहर में रोटी के साथ भी बना सकते हैं, रात को आप खिचड़ी वगैरह के साथ भी इसे आप बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनती है। देखिए, हमने मसाले डाल दिए, उसके बाद हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे हम पकने देते हैं। हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है, और मैंने इसे
5 से 7 मिनट तक पकने के लिए रखा है। इसके मॉइस्चर में ही अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। और यहाँ मैंने सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया है ताकि जो थोड़ा कच्चापन है गिलकी में वो भी दूर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे ढककर पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेवी वाली पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे पानी है वो तो अपने हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा रखेगा तो आपकी सब्जी है वो ग्रेवी वाली बन सकेगी। तो ये हमारी गिलकी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए हमने इसकी प्लेटिंग की है, कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट, रसीली, जायकेदार चिकन मटन को भी आप भूल जाएंगे, पनीर की सब्जी खाना भी भूल जाएंगे, इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन बिना भूले ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, मेरी चैनल को ज़रूर से वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।